गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले विज्ञान विषय, और विज्ञान विषय के अंदर अंतर्गत मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं। अनेक चीजें हम लोग प्रकृति में देखते हैं, अपने अगल बगल देखते हैं। अगर हमारे मन में जिज्ञासा होगी, बहुत बार प्रश्न उठता है कि धातु कैसे पहचानेंगे और अधातु कैसे पहचानेंगे, अधातुएं किसे कहते हैं या अधातुएं किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया, विश्व की सभी वस्तुएं या पदार्थ तत्वों, यौगिकों या उनके मिश्रण से बने हो। वैज्ञानिकों ने तत्वों का सामान्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु अर्थात धातु सदृश इस प्रकार से वर्गीकरण किया। तो अनेक चीजें हमको प्रकृति में दिखाई देती हैं, कुछ तत्व है, कुछ यौगिक है और मिश्रण है। तत्व और यौगिक मिश्रण, इनकी परिभाषा पहले के पाठों में है। इसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने जब इन सब चीजों का वर्गीकरण किया तत्वों का, तो सामान्य रूप से तीन कैटेगरी बनाई, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु अधातु तो है ही, उपधातु क्या है तो उसे कहेंगे धातु सदृश। उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि धातुएं क्या है, अधातुएं क्या है और उपधातु कौन कौन सी। यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हो ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर, स्टील, मेटल स्लग, ब्रॉन्ज, इस तरह से पीतल, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, एक कुछ धातुएं। धातुओं को पहचानेंगे कैसे, तो धातुओं में चमक होती है, वे कठोर होती है, उनसे तार या पतली चदरें बना सकते हैं। जो धातुएं हैं यह सब पहचानना कैसे, जैसे सोना चांदी आप लोगों ने देखा होगा कि सोने के तार बहुत महंगी धातु है, चांदी के तार आप लोगों ने देखा होगा, कॉपर के तार देखा है आप लोगों ने, तांबे के तार, तो कहाँ पर देखा है कॉपर के तारों को। कॉपर के तार जो होते हैं हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी सप्लाई के लिए वायर जो केबल्स होते हैं कॉपर के होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो धातुओं से हम क्या बना सकते हैं, धातुओं से हम पतली तार बना सकते हैं, चद्दरें बना सकते हैं, मेटल सीट्स जिसको कहते हैं, जो छप्पर टाला जाता है कई घरों पर तो धातुओं का स्टील के होते हैं, गैल्वेनाइज नाम की एक धातु है, उस मिश्र धातु है उससे बनते हैं। आपने बहुत सारे किचन यूटेंसिल्स देखे होंगे, बर्तन देखे हैं, यह सब धातुओं के अधिकतर बने हुए बर्तनों को देखा हो। धातुओं की पहचान, धातुओं में चमक होती है, वे कठोर होते हैं, उससे तार बनाई जा सकती है, पतली चद्दरें बना सकते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अधिकतर धातुएं क्या है, उष्मा और विद्युत की सुचालक, अर्थात उसको हम गर्म कर सकते हैं, गर्म करने पर उसके अंदर से गर्म होने का जो प्रमाण है वह तेज गति से होता है, जैसी धातु होगी उसके हिसाब से उसके गुणधर्म होते हैं। उष्मा का संचलन उसमें होता है, संवहन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, उदाहरण के लिए कॉपर के तार इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम के तार इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। धातुएं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनावेशित आयन, धनायन अर्थात केटायन निर्माण करती है, धनायन को केटायन भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके संयोजकता, संयोजकता अर्थात कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनावेशित आयन अर्थात केटायन की निर्मित करती है। तो यहाँ पर कुछ धातुएं दी गई हैं, उसके चित्र को हम लोगों ने देखा। अब धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दिया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है सब फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं मौजूद, वह सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। तो भौतिक गुणधर्म क्या है, उसकी अवस्था, सामान्यतः सभी धातुएं रूम टेम्परेचर में ठोस अवस्था में, सामान्य तापमान पर अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। इसका अर्थ यह है कुछ धातुएं ऐसे भी हैं जो अपवाद हैं और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, उदाहरण के लिए मर्क्यूरी, पारा जिसे कहते हैं, आप लोगों ने थर्मामीटर में देखा होगा, तापमापी में देखा होगा, ज्वरमापी में देखा होगा, उसके अंदर एक चमकदार धातु होती है उसे कहते हैं मर्क्यूरी या पारा कहते हैं। धातु होते हुए भी, या ये ब्लड प्रेशर मापने की मशीन है, इसमें भी एक चमकीला सा पदार्थ होता है जो द्रव अवस्था में होता है, यह पारा जो है यह धातु है,
धातुओं के सारे गुणधर्म है, किंतु यह लिक्विड कंडीशन में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, अर्थात द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन बाकी की जो धातुएं, अधिकतर धातुएं सब की सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। उसका एक निश्चित आकार है, जिस आकार में है, जैसा बनाया गया है उसी आकार में रहता है, उसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था यहाँ पर पारा का उदाहरण दिया है। अब चमक, धातुओं में चमक होती है, आप लोगों ने देखा होगा कॉपर के बर्तन, जब हम उसको किसी एसिडिक पदार्थ से घसते हैं, नींबू से घसते हैं या इमली से उसको रगड़ करके घसा जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसके बाद इस तरह से उसमें चमक हमको देखने मिलती है। तो हमारे घर में जो भी बर्तन है उसे घस करके देखो, पीतल और तांबे के होंगे तो उसमें इस तरह की चमक दिखाई देगी। तो धातु के घिसे हुए या ताजा जो कटा हुआ पृष्ठ भाग है, कोई धातु जैसे कॉपर है, तार, उसको जब हम लोग कट करेंगे तो उसमें भी जो कटा हुआ पृष्ठ भाग है वो अभी चमकदार होता है, उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। इसका मतलब है कि धातुएं हमें चमकदार दिखाई देती है, उसमें चमक होती है, लस्टरस कहते हैं उसको। कठोरता, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, वे नरम नहीं होती। अपवाद के तौर पर सोडियम और पोटेशियम नरम होते हैं, उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं जो सॉफ्ट होती है, और ज्यादातर जितनी भी धातुएं हैं सब कठोर होती हैं, उसको आसानी से काटा नहीं जा सकता चाकू से। लेकिन अपवाद के तौर पर सोडियम तथा पोटेशियम दिया है, जो सॉफ्ट होती है, जिसे नरम होती है, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और अधिकतर सभी धातुएं कठोर होती है, अपवाद के तौर पर दिया है सोडियम तथा पोटेशियम। उसके बाद तन्यता, डक्टिलिटी, आप लोगों ने देखा है सोने के तार कान में पहने हुए, बच्चों के कान में भी आप लोगों ने देखा होगा, या इस तरह के तार जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जो हमारे घर में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिस तार का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक कोटेड होता है, अंदर तांबे का तार होता है। तो इस तरह से धातुओं में डक्टिलिटी, तन्यता का गुणधर्म पाया जाता है, जिसके कारण तार बनाया जाता है। तन्यता तार, इससे आप तालमेल रख सकते हो कि धातुओं में डक्टिलिटी मतलब उससे हम तार बना सकते हैं, तन्यता का गुणधर्म होता है इसलिए तार बनाया जा सकता है। फिर आघात वर्धता, मैलेबिलिटी जिसे कहते हैं, एक उदाहरण के तौर पर दिया है कि एक कील लेकर के अगर उसको पीटते हैं, ठोकते हैं हथौड़ी से, तो वह इस तरह से कुछ चपटा सा हो जाता है, अर्थात धातुओं से पतली चादर बनाई जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा घरों के छप्परों पर आजकल मेटल शीट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वे धातुएं, उन धातुओं से पतली शीट्स, चद्दर बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आघात वर्धता, मेलेबिलिटी कहते हैं, इन सीट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, ऐसा शब्द है उसके लिए। आघात वर्धता, आघातों को सह करके वह पतली चद्दर में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से धातुओं के ये भौतिक गुणधर्म। ऊष्मा का संचलन, आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, कंडक्शन जिसे कहते हैं, एक कोई पतीला है, पात्र है, अगर हम लोग पड़छुली है, मान लो आपने उसे गैस स्टोव पर रखा है, बर्नर पर रखा है, तो उसके अंदर ऊष्मा का संचलन होता है, जिसके कारण गर्म होकर के यहाँ पर हमारा हाथ जलने लगता है, इसलिए उसके हैंडल जो होते हैं वह अधिकतर हार्ड प्लास्टिक होती है या फिर लकड़ी के होते हैं, जिससे हमारा हाथ न जले, इसे कहते हैं उष्मा का संचलन। उदाहरण के तौर पर और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, कोई कॉपर की रॉड लेकर के या कोई मेटल की रॉड लेकर के उसके ऊपर मोम लगा करके रखते हैं दूसरे सिरे पर, और उसे गर्म करते हैं तो मोम पिघलना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कंडक्शन हुआ, उसमें उष्मा का संचलन हुआ। विद्युत का संचलन, बताया मैंने कि विद्युत के जो तार होते हैं उनमें तांबे के तारों का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आसानी से विद्युत का संचलन होता है। एल्यूमिनियम के तारों का भी कई स्थानों पर इस्तेमाल होता है केबल्स में, तो विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो सकती है, अर्थात विद्युत के सुचालक होती है धातु। और अपवाद के तौर पर यहाँ पर दिया है, सीसा एकमात्र ऐसी धातु है जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होती, बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होती, तो सीसा इसका अपवाद है। डेंसिटी, घनत्व, धातुओं का घनत्व अधिक है, अपवाद के तौर पर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है,
लिथियम का घनत्व दिया है 0.53 ग्राम प्रति सीसी। तो इस तरह से अधिकतर जो धातुएं अपवाद के तौर पर सोडियम पोटेशियम लिथियम को छोड़ करके जितनी भी धातुएं सबका घनत्व बहुत अधिक होता है। ये धातुएं ऐसी हैं जिसका घनत्व पानी से भी कम है। अगर घनत्व पानी से कम है तो वह पानी पर तैरती हैं ऐसी धातुएं। और सोडियम पोटेशियम के बारे में हम लोगों ने देखा कि वे नरम धातुएं आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। द्रवणांक और क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जिसे कहते हैं, सामान्यतः धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर हम उसको मेल्ट कर सकते हैं, उसे बॉइल कर सकते हैं, उबाल सकते हैं। बहुत 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लगभग धातुएं पिघलती हैं। ध्वन्यात्मकता, सोनोरिटी, तुम्हारे विद्यालय की घंटी, हम लोगों ने विद्यालय की घंटी देखी है, मंदिर की घंटी देखी है, इस तरह की घंटी देखे हैं हम लोगों ने। जब उस पर किसी चीज से आघात करते हैं, थोड़े से आघात करते हैं, तब उसमें आवाज आती है, उसको कहते हैं सोनोरिटी, अर्थात उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो धातुएं हैं वे ध्वन्यात्मक होती है, अर्थात ध्वन्यात्मकता की जो गुण है वह इन धातुओं में होते हैं, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। आप इसे समझ सकते हैं आसानी से कि धातुओं में अगर हम किसी चीज से उस पर आघात करते हैं उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर दिया है नॉन मेटल्स, अधातु, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, कुछ अधातु है। सामान्यतः ठोस अधातु भंगुर होते हैं, भंगुर अर्थात जो टूट सकते हैं, ब्रेकेबल, और चमक नहीं होती। अधातुओं में अधिकतर अधातुएं ऐसी है जिसमें चमक नहीं होती। और क्या होता है, भंगुर होते हैं अर्थात टूट सकते हैं आसानी से। हम लोगों ने देखा धातुएं बहुत कठोर होती हैं कुछ धातुओं को, जैसे सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके, तो वे अपवाद थे। और क्या था उसमें, चमक थी। और क्या था, तो यहाँ पर अधातुओं के गुणधर्म दिए कि अधातु भंगुर होती है और उसमें चमक नहीं होती। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, भौतिक अवस्था क्या है, सामान्य तापमान पर अधातु ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस अवस्था में जैसे कार्बन, पोटेशियम, सल्फर, ये सल्फर, कार्बन, पोटेशियम, और गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, नाइट्रोजन गैस है, यह सब गैसीय अवस्था। तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में, ब्रोमाइन दिया है द्रव अवस्था में। तो इस तरह से जो नॉन मेटल्स हैं वे तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। हम लोगों ने धातुओं को देखा, अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में होती है। एक धातु ऐसी थी जो द्रव अवस्था में थी, वह था मर्क्यूरी। तो अधातुओं में क्या है, अधातुएं तीनों अवस्थाएं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और उदाहरण के तौर पर दिया है सल्फर, कार्बन, यह ठोस अवस्था में, पोटेशियम ठोस अवस्था में, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैसियस अवस्था में, नाइट्रोजन गैसियस अवस्था में, ब्रोमाइन द्रव अवस्था में। चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती। अपवाद के तौर पर हीरा दिया है, आयोडीन के केलास, कुछ अधातु रंगहीन तो कुछ अधातुओं के विविध रंग होते हैं। कार्बन अर्थात कोयला, कोयला कौन से रंग का होता है, तो वह काले रंग का होता है। तो अधिकतर अधातुएं जितनी भी है वह चमकहीन होती है, अर्थात उसमें चमक नहीं होती। लेकिन अपवाद के तौर पर एक दिया है हीरा, हीरा सबसे चमकदार है। आयोडीन के केलास है, वे भी चमकदार है। तो इस तरह से कुछ चीजें अधातुओं में ऐसी भी हैं जिसमें चमक होती है, भंगुरता, ब्रिटलनेस। कार्बन अगर हम लोग लेते हैं और उसको हथौड़ी से ठोकते हैं तो टूट जाता है, तो इसका मतलब भंगुर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। तो ठोस अवस्था वाले अधातु भंगुर होते हैं, कुछ अधातु नरम होते हैं। अपवाद के तौर पर हीरा, कार्बन प्रकृति का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। तो अपवाद के तौर पर हीरा दो जगह आया, हीरा, एक तो हीरे में चमक होती है, धातु है तब भी, और दूसरी बात हीरे की क्या है, ये सबसे कठोर, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, अर्थात अधातु होते हुए कठोर है। और अधिकतर अधातुएं भंगुर है, आसानी से टूट जाती है। तन्यता और आघात वर्धता, हम लोगों ने धातुओं में देखा कि उसमें तन्यता और आघात वर्धता है। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब उसका तार बना सकते हैं हम लोग, आघात वर्धता अर्थात सीट बना सकते हैं। तो अधातुओं में ऐसा गुणधर्म नहीं है, वे आघात वर्धनीय नहीं होती, न तो तन्य होती है। उष्मा तथा विद्युत का संचलन,
अधातुएं उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होती है। अपवाद के तौर पर ग्रेफाइट एक इस तरह का पत्थर की तरह दिखाई देता है, कार्बन का अपरूप है, यह विद्युत का उत्तम सुचालक है। आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो है वह क्या है, विद्युत का उत्तम सुचालक है। तो अपवाद के तौर पर ग्रेफाइट है जिसमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित विद्युत धारा हो सकती है, और अधिकतर अधातु में उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होती है। डेंसिटी, अधातु का जो घनत्व होता है वह कम होता है। द्रवणांक तथा क्वथनांक, अधातुओं के द्रवणांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर दिया है कार्बन बोरान एक ठोस अधातु है जो उच्च तापमान पर पिघलते हैं। उपधातु हम लोगों ने देखा मेटल्स और नॉन मेटल्स, यह है मेटालाइट्स। उपधातु जिसे कहते हैं जिसमें दोनों भी गुणधर्म हो, धातु और अधातु, इसे धातु सदृश कहते हैं। उपधातु आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टंगस्टन, ऐसे कुछ तत्वों के गुणधर्म धातु और अधातु के बीच के होते हैं, ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, सभी तत्वों के रासायनिक क्रियाओं का आधार होता है। अधिकांश धातुओं की के परमाणु के बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम अर्थात 3 तक होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, परमाणु क्रमांक उदाहरण के लिए दिया है सोडियम, सोडियम का 11 है परमाणु क्रमांक, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1, तो जो बाह्य कक्षा है वह अधिकतर 3 से कम होती है। अधिकतर मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 है, 2, 8, 2 अंतिम कक्षा में 2। वैसे एल्यूमिनियम 13 है परमाणु क्रमांक, इसका मतलब पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरा जो अंतिम कक्षा है उसमें अंतिम कवच में 3। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया है। आप आयनों की निर्मिति, धातुओं में उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित आयन, धनायन अर्थात केटायन निर्मिति करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वे संयोजन करते समय इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धनावेशित आयन बनाते हैं। धनावेशित आयन को ही धनायन या केटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम का ही था 281, बाह्य कक्षा अगर पूर्ण करना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उसके बाद सोडियम भी उसी तरह से, मैग्नीशियम भी 282, मैग्नीशियम की जो बाह्य कक्षा है वह 2, उसे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा अगर उसे बाह्य कक्षा पूर्ण करनी है। वैसे ही एल्यूमिनियम है 283, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरा जो बाह्य कवच है उसमें 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसे लीव करना होगा, छोड़ना होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड की निर्मिति करती है। उदाहरण के तौर पर धातु प्लस ऑक्सीजन तो धातुओं के ऑक्साइड्स, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है कि फेरस आयरन जिसे कहते हैं, Fe प्लस 3O2 ऑक्सीजन के साथ संक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनता है। 4Fe सॉलिड स्टेट में या गैसीय स्टेट में 3O2, जी फॉर गैस, एस फॉर सॉलिड अर्थात ठोस और यह गैसीय अवस्था में है, अभिक्रिया करके क्या बना, 2Fe2O3 या सॉलिड स्टेट में फेरस ऑक्साइड बना, जिसे हम जंग कहते हैं, रस्ट लगना। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर लवण और पानी, लवण अर्थात सॉल्ट्स बनते हैं, सॉल्ट्स एंड वाटर। धातुओं के ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस पानी, सॉल्ट प्लस वाटर। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, अधिकतर धातुओं की तनु अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद उसमें से सॉल्ट की निर्मिति, लवण की निर्मिति होती है और हाइड्रोजन गैस। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया है परख नली में एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और उसमें जस्ते का चूर्ण डालते हैं, तब क्या बनाया, मैग्नीशियम की छोटी सी स्ट्रिप डाले डाइल्यूटेड एसिड में, तो इसमें बबल्स के साथ जो गैस निकल रही है वह हाइड्रोजन गैस। और उसे चेक करने के लिए अगर छोटी सी जलती हुई दिया सलाई इसके मुख पर ले जाते हैं परख नली के, तो वह तुरंत जलने लगती है और पॉप करके आवाज आता है,
इससे पता चलता है कि यह गैस हाइड्रोजन गैस है। दिया सलाई की जो तीली है वह बुझ जाती है और गैस चलने लगती है। तो इससे वैज्ञानिक हम तर्क दे सकते हैं कि यह गैस हाइड्रोजन ही है, क्योंकि यह जलने में सहायक नहीं है, स्वयं जलती। पानी के साथ अभिक्रिया, कुछ धातुओं के पानी के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस की निर्मित होती है। कुछ धातुओं के पानी के साथ तो कुछ की पानी के भाप के साथ अभिक्रिया होती है। उनके अभिक्रिया का दर जो है भिन्न भिन्न है, जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम पानी के साथ करता है, कॉपर पानी के साथ अभिक्रिया कर सकता है, नहीं है तो कुछ ऐसी धातुएं जो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, किंतु उसके जब पानी गैसीय अवस्था में होता है या वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, उसके साथ रिएक्ट करती है। तो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म दिए, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, अधिकतर अधातुओं की संयोजक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात 4 से 7 तक होती है। हम लोगों ने धातुओं में देखा था कि अधिकतर जो बाह्य कक्षा थी वह 3 से कम थी, लेकिन अधातुओं में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या है, जो अंतिम कक्षा है वह 4 से अधिकतर अधिक है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो परमाणु क्रमांक 7, 8 और क्लोरीन का 17 है। अंतिम जो कक्षा है, पहली कक्षा में सब में 2 होता है, दूसरे में मैक्सिमम 8 और तीसरे में 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण बनते हैं। तो 7 है तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 5। उसी तरह से ऑक्सीजन के 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा 2, 6 से। क्लोरीन का 17 है तो पहले में 2, फिर मैक्सिमम दूसरे में 8 और तीसरी कक्षा में बचे जो वह तो 7। आयनों की निर्मिति, अधातुओं में उनकी संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन, ऋण आयन अर्थात एनायन निर्मित करने की प्रवृत्ति। हम लोगों ने देखा था कि धातुएं संयोजकता उस टाइम पे क्या था कि वे धनायन बनाती थी, यहाँ पर ऋणायन बनाने की, तो केटायन जिसे कहते। तो यहाँ पर आयनों की निर्मित कैसे होती है, अधातुओं में संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन या ऋण आयन अर्थात ऋण आयन को एनायन कहते हैं, धन आयन को केटायन करते हैं। तो एनायन कहाँ पर निर्मित हो रहा है, अधातुओं। उदाहरण के लिए क्लोरीन है 2, 8, 7, तो वह एक और लेकर के 2, 8, 8 अपनी बाह्य कक्षा पूर्ण करेगा, क्लोराइड आयन बनेगा। वैसे ही ऑक्सीजन है 2, 6, तो अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए उसे 2 और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में क्या आएगा, 2, 8 ऑक्साइड का आयन बना। उसी तरह से 2, 5, तो अंतिम कक्षा के लिए 3 नाइट्रोजन के आयन्स लगेंगे, तो 2, 8 तब जाकर के उसकी बाह्य कक्षा पूर्ण होगी। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनाती हैं। अधातु प्लस ऑक्सीजन, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हमने देखा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय थे, यहाँ पर अम्लीय बनते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड है वह क्या है, अम्लीय बनते हैं। वे क्षारकों के साथ संयोग करके घुलनशील लवण और पानी की निर्मित करते हैं, C+O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे CO2+2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके Na2CO3+H2O, H2O हाइड्रोजन गैस पानी बना, Na2CO3। अधातुओं के ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं, CO2+H2O, H2CO3 अर्थात कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड, SO2+H2O, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरस अम्ल। उसी तरह से SO3+H2O, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। अधातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होती, अधातुओं की तनु अम्ल जो कंसंट्रेटेड होता है और उसके बाद फिर डाइल्यूटेड, तो तनु मतलब डाइल्यूटेड एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब राजधातु किसे कहते हैं, सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम जैसी कुछ राजधातुएं हैं, वे प्रकृति में तत्व के स्वरूप में पाई जाती है। उन पर हवा, पानी, उष्मा का सरलतापूर्वक परिणाम नहीं होता, उनका क्षरण नहीं होता, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कमरे के तापमान पर नहीं होती, इसीलिए इसे राजधातु कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसमें नहीं होता और हवा, पानी, उष्मा का उस पर सरलतापूर्वक परिणाम नहीं होता, इसीलिए इसे राजधातु कहते हैं। सोने, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग क्यों करते हैं, तो आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, बहुत ही महंगी धातु है। चांदी का उपयोग औषधि में भी किया जाता है,
एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, इसलिए सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी सोने का उपयोग किया जाता है, जिससे बहुत ही कंप्यूटर्स के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें गोल्ड और अधिकतर जो टिकाऊ पदार्थों की जरूरत हो, महंगे कंप्यूटर्स है उसमें गोल्ड प्लेटेड का भी उपयोग करते हैं, चांदी की प्लेटेड या उसके भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इन सब धातुओं का भी उपयोग किया जाता है। प्लैटिनम, पैलेडियम, इन धातुओं का उपयोग संप्रेरक एक कैटलिस्ट के रूप में भी किया जाता है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग न लेते हुए उस रासायनिक क्रिया को उसकी गति को बढ़ा देना, यह काम होता है संप्रेरक का या कैटलिस्ट का। तो उसकी तरह से काम कौन करता है, तो प्लैटिनम और पैलेडियम। अब सोने की शुद्धता, प्योरिटी, आप लोगों ने देखा होगा 24 कैरेट, 24 कैरेट आप लोगों ने देखा होगा। स्वर्णकार की दुकान पर जाएंगे, ज्वेलर्स की दुकान पर, तो उसके भाव अलग अलग होते हैं, 18 कैरेट गोल्ड, 19 कैरेट, 20 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट। तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वह 100% प्योर होता है, लेकिन जो शुद्ध सोना होता है वह नरम होता है। इस कारण शुद्ध सोने से तैयार किए गए आभूषण आसानी से मुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, इस कारण उसमें स्वर्णकार, तांबा या चांदी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या उससे कम या 23 कैरेट के गोल्ड का उपयोग करते हैं, 22 कैरेट, 18 कैरेट ऐसे गोल्ड का उपयोग करते हैं। तो 24 कैरेट का गोल्ड जो है 100% शुद्ध है, 22 कैरेट का 91.66, बाकी की जो इम्प्योरिटीज होती है उसमें मिक्स करते हैं, जैसे तांबा जैसी धातु है या कैडमियम जैसी धातु है उसमें मिक्स करके उसको जोड़ के लिए उपयोग किया जाता है और बनाया जाता है। 18 कैरेट की 75% शुद्धता है, 14 कैरेट का अगर गोल्ड है तो 58.33% प्योरिटी है, 12% गोल्ड है तो 12 कैरेट का गोल्ड अर्थात 50% शुद्धता है, और 10 कैरेट का गोल्ड मतलब 41.66% उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता है। क्षरण धातुओं में पर नमी के कारण हवा और गैस की अभिक्रिया होती है जिससे धातुओं की यौगिकों की निर्मित होती है, इस तरह से रस्ट लगा हुआ आप लोगों ने देखा होगा, इसे ही क्षरण कहते हैं। तो ऑक्साइड्स के जो हवा में ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके या जो मॉइस्चर है उसके साथ अभिक्रिया करके इस तरह का देखा होगा। चांदी की बर्तनों को आपने काला होते हुए देखा होगा, चांदी के पायल अगर जो पहने होंगे पैजन उसके भी काला होते हुए देखा होगा। तो इस तरह से क्षरण होता है धातुओं में, जो कॉपर है उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का लेयर आता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो मूर्ति है, स्वतंत्रता देवी की मूर्ति, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसका पृष्ठभाग तांबे से बनाया गया है, परंतु अब वो हरे रंग की दिखाई देती है। इसका कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता की तांबे के साथ अभिक्रिया होने से हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट तैयार हुआ है, इसे यह एक क्षरण का उदाहरण है। उसी तरह से मिश्र धातु अलॉय, ऐसे सिक्के आप लोगों ने देखे जिसमें मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, लोहे, कार्बन और क्रोमियम निकेल से मिश्र धातुएं बनती है, पीतल नाम की जो मिश्र धातु है वह तांबा और जस्ता से मिलकर के बनाया गया है, कांसा नामक मिश्र धातु को तांबे और टीन से बनाते हैं जिससे एक विविध अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके कारण उसकी मजबूती भी बढ़ती है, टिकाऊ भी होता है और ज्यादा दिनों तक चलता है, उसका क्षरण जल्दी नहीं होता। तो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में लगभग 1500 वर्ष पूर्व तैयार किया गया लौह स्तंभ है, इतने वर्ष हो जाने के बाद भी यह चमत्कार है क्योंकि यह मिश्र धातु से निर्माण किया गया है। इसमें लोहे की अल्प मात्रा में कार्बन सिलिकॉन फास्फोरस मिश्रित किए गए जिसके कारण अर्थात मिश्र धातु जो है उसका क्षरण जल्दी नहीं होता, कई वर्षों तक टिकती है और उस पर जो ठोस पदार्थ है उसके कारणों का सब मजबूती उसमें बहुत अधिक होती है। तो यह मिश्र धातुओं का फायदा है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।